हे राजन, मैं इन्हीं प्रसंगों में तुमको एक इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ये सृष्टि बनी कैसे, उसका श्रवण करा रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा मनु सतरूपा का प्रागट्य हुआ। मनु सतरूपा की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। मनु महाराज की एक पुत्री देहूति हुई, जिनका विवाह हुआ है करदम ऋषि के साथ, और इनके घर में प्रभु कृपा से कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान इनके घर अवतार लेते हैं। माँ देहूति कपिल भगवान की स्तुति करते हुए इनसे प्रार्थना करती है, प्रभु निर्वीणाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमा प्रभो तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार शरणम शरण्य स्तुति की और फिर प्रश्न किया। निर्वीणाम नितराम भूमन अशत इंद्रिय तर्शन, महाराज ये जो हमारा मन है ना, ये बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना समझाता हूं उतना ही मचलता है। इसी का इसी शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज तुलसीदास सठते ही भज छोड़ कपट जंजा। फिर अपने मन को तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी डांटा। मन को डांटते हुए अंत में लिखते हैं, पाई ना के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना, पाई ना के ही गति पतित पावन राम Oh,
भी मन को सठ कह के पुकारा, राम गज सुन सठ मना। और वहां भी कहा तुलसीदास सठ ते ही बज, सठ माने अरे हटी मन, अब तो राम को भज, अब तो कृष्ण को भज। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, ये जो मन है ना, ये छोटे से बालक के जैसा है। छोटे से बालक को आप करोड़ों रुपया भी दो ना, वो नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? मैया ने बदल लिया कलयुग को देख, पहले के बच्चों को चॉकलेट चाहिए था और आजकल ये मिल जाए बस। और भी छोटा हो, जिसको चलाना नहीं आता हो, मोबाइल फोन चलाना नहीं आता हो, उससे भी छोटा हो, उसके सामने आप करोड़ों धन दौलत रख दो और एक तरफ उसकी मैया को रख दो, किसको लेगा? उसके सामने कितना भी पैसा हो, सब दे देगा आपको, उसको बस 5 रुपया का, 5 चवन्नी का कोई वो टॉफी चॉकलेट दिला दो ना, उसी में राजी हो जाएगा।